हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। तो चलिए अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ न्यू लेसन, दैट इज प्रॉब्लम्स ऑन मेजरमेंट। तो हम यहाँ पर देखेंगे डिफरेंट प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं, मतलब सॉल्यूशंस करने के लिए दिए हुए हैं मेजरमेंट्स के। तो मेजरमेंट कौन कौन से होते हैं, हम जब भी कोई चीज़ खरीदते हैं तो हम लीटर में लाते हैं, दूध लाते हैं तो 1 लीटर है, तेल लाते हैं 1 लीटर है, पेट्रोल है लीटर में, या हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो वो हम किलोग्राम में लेते हैं, 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, तो अलग अलग होता है। या हम तेल वगैरह लेते हैं, जो हेयर ऑयल वगैरह रहता है वो ग्राम में भी मिलता है, 100 ग्राम, 200 ग्राम में। और डिस्टेंस, जो हम गाँव जाते हैं या कहीं पर हम घूमने जाते हैं तो डिस्टेंस हम कवर करते हैं वो किलोमीटर में होता है। तो ऐसे अलग अलग मेजरिंग के हमारे यूनिट्स होते हैं, ठीक है। उसे हम अलग अलग टाइप के क्या बोलते हैं, यूनिट्स बोलते हैं। और उसके अकॉर्डिंग अभी हम यहाँ पर सीखेंगे कि किस तरह से एडिशन किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स का। जैसे पैसे, 1 रुपया मतलब 100 पैसा होता है, तो उसको अगर हम पैसे में लेते हैं तो उसको कन्वर्ट कैसा किया जाता है। तो ये सारी बातें ना हम यहाँ पर आज के ये लेक्चर में देखेंगे, आज के ये वीडियो में आप लोग देखेंगे। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ विदाउट टेकिंग मोर टाइम। मैं आप लोगों का फर्स्ट सम दिखाती हूँ। यहाँ पर दिया है फर्स्ट एड में एडिशन करना है 1 रुपीज, फर्स्ट दिया है ₹9.50, मतलब 9 रुपीज है और 50 पैसे, देखो कॉमा दिया हुआ है बीच में, मतलब 9 ये रुपीज है, प्लस ₹14, 60 पैसे। तो हम कैसे ऐड करेंगे इसे, तो पहले हम लिखेंगे रुपीज एंड पैसे, इसको डिवाइड करेंगे 2 पार्ट्स में। और यहाँ पर ना हम ऊपर एक कैरी करने के लिए भी बॉक्स ले लेंगे, अगर कैरी ओवर होगा तो हम उसमें लिखेंगे उसको, या आप ऊपर नहीं करना है, अगर आपके स्कूल में नीचे देते हैं तो आप इसके नीचे भी ले सकते हो। तो अभी मैं नीचे ले रही हूँ, ऊपर नहीं कंटिन्यू करूंगी। और यहाँ पर देखिए नंबर्स लिखने के लिए 2 बॉक्सेस हो गए, ये कैरी के लिए हुआ, ये नंबर्स लिखने के लिए हुआ, और यहाँ पर हमारा आंसर आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लिखेंगे, तो रुपीज दिया है 9 रुपीज एंड 50 पैसे, देन 14 रुपीज, मतलब ये हम 9 के नीचे 4 और 1 जो यूनिट है उसको आगे लेंगे, एंड 60 पैसे, दोनों का करना है एडिशन। तो एडिशन साइन लिखो, 0 प्लस 0 इज 0, 5 प्लस 6 इज 11, तो 1 को यहाँ पर कैरी करना है, 9 प्लस 1 इज 10, 10 प्लस 4 इज 14, 4 एंड 1 कैरी करो, 1 प्लस 1 2, तो क्या आंसर आया है इसका, ₹24, कॉमा करो 10 पैसे, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीका है सॉल्व करने का, आप लोगों को एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। सेकंड सम में दिया है सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर, ठीक है, तो उसको हम लिखेंगे पहले सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर, ठीक है। जैसे मैंने पहले किया था वैसे ही हम यहाँ पे कैरी ओवर के लिए एक बॉक्स बनाएंगे, नीचे दोनों कॉलम लिखने के लिए और आंसर के लिए। तो देखो इस तरह से हमारे टोटल 1, 2, 3, 4, 5 बॉक्सेस में पूरा कंप्लीट हो रहा है। तो यहाँ पर दिया है 6 सेंटीमीटर एंड 5 मिलीमीटर, 7 सेंटीमीटर एंड 9 मिलीमीटर एडिशन। एडिशन साइन जो भी दिया है साइन, वो विदाउट फेल लिखना है, 5 प्लस 9 इज 14, तो 14 का 4 लिखो, 1 ऊपर कैरी करो, 6 एंड 1 7, 7 प्लस 7 14, तो यहाँ पर डायरेक्ट आपको एडिशन आना चाहिए। तो आंसर कैसे लिखेंगे हम, 14 सेंटीमीटर एंड 4 मिलीमीटर, ठीक है, ये हमारा आंसर है। इसे आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, पूरा आंसर होने के बाद पेंसिल से ब्रैकेट बनाकर भी लिख सकते हो। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है मीटर एंड सेंटीमीटर में, ठीक है, ये देखो फटाफट में कर देती हूँ, बिकॉज अभी बहुत टाइम हम इसमें वेस्ट करेंगे तो सम्स नहीं होंगे। तो यहाँ पर मीटर दिया है 22 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर, प्लस 25 मीटर एंड 75 सेंटीमीटर, तो 0 प्लस 5 इज 5, 5 प्लस 7 इज 12, 12 का 1 कैरी करो, 1 एंड 2 3, 3 प्लस 5 इज 8, 2 प्लस 2 4, सो 48 मीटर एंड 25 सेंटीमीटर। तो अभी यहाँ पर मैंने आगे के जो सम्स है ना उनके यूनिट्स जो भी थे
वो मैंने लिख लिए हैं, मतलब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो फोर्थ सम में हम देखेंगे 15 किलोमीटर प्लस 740 दिया है मीटर प्लस 13 किलोमीटर एंड 950 मीटर। तो 9 0 + 0 इज 0, 4 + 5 इज 9, 7 + 9 इज 7 + 7 = 14, 15 = 16 आ गया। 1 कैरी करो, 5 5 एंड 1 6, 6 + 3 9, 1 + 1 2। कुछ भी डाउट है तो आप फिंगर से भी कर सकते हो, बट अभी आप 5th स्टैंडर्ड में आए हो तो विदाउट फिंगर भी करना सीखना है। उसके बाद हम देखेंगे 5th सम, दैट इज 25 kg एंड 650 ग्राम प्लस 29 kg एंड 770 ग्राम। तो इसे हम जल्दी से लिखते हैं, 25, 650, और नंबर्स कभी भी एक के नीचे एक प्रॉपरली लिखना है, 770। ओके चलिए, अभी देखिए यहाँ पर 0 + 0 इज 0, 7 5 + 7 = 12, 1 कैरी। देन आफ्टर दैट 6 एंड 1 एंड 6 7, 7 + 7 = 14, 1 कैरी। 5 एंड 1, या आप लोग 9 + 1 10 लो, 10 + 5 = 15, तो यहाँ पे 5 आ गया नीचे, 2 + 2 = 4 एंड 1 = 5, सो 55 किलोग्राम एंड 420 ग्राम। ठीक है, देन नेक्स्ट है लास्ट वाला सम, 19 लीटर एंड 840 मिलीलीटर प्लस 25 लीटर एंड 250 मिलीलीटर। सो 19 840 + 25 एंड 250। ओके, अब एडिशन करना है, 0 + 0 इज 0, 4 + 5 इज 9, 8 + 2 इज 10, 1 कैरी। 9 एंड 1 10, 10 + 5 = 15, 1 कैरी। 1 + 1 2, 2 + 2 = 4, सो 45 लीटर एंड 090 मिलीलीटर। ठीक है, 0 आ गया है, उसे एज इट इज लिखना है। तो बच्चों यहाँ पर एडिशन के सारे सम्स कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगी जिसमें हम देखेंगे आने वाले आगे के सम, मतलब जो सब्ट्रैक्शन के सम्स हैं हम वहां पर सॉल्व करेंगे। तो आप लोग सब्सक्राइब करके रखो ताकि आप लोगों को आने वाले वीडियोस देखने के लिए मिलेंगे और पूरा इजी सॉल्यूशन समझ में आ जाएगा। ठीक है, बाय बाय।